बीजेपी में जाने का सिलसिला अब तक जारी है। अब वार्ड नंबर 3 के पूर्व काउंसिलर कार्तिक धीबर और सलामपुर ब्लॉक टीएमसी के ऑब्जर्वर जेपी सिंह ने बीजेपी का झंडा थामा। बीजेपी जिला ऑब्जर्वर शिवराम बर्मन निर्मल कर्मकार ने उन्हें बीजेपी का झंडा थमाया। इन लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकासमूलक कार्यों से प्रभावित होकर ये लोग बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी तो योगदान कर लेना चाहिए। अपनी कोथा कौन पदे छिलेन? आमी बारावानी विधानसभा सालानपुर ब्लॉके ऑब्जर्वर हिसाब से काज करछिलाम। 2019 पर्यंत आमी ऑब्जर्वर हिसाब से काज करेछि। और मोदी जी जे ভালোভাবে বিকাশে কাজ করছেন ওইটাতে আমরা মানে পুরো আমার ফ্যামিলি আর আমার পুরো টিম মোটামুটি 2000 টিম পুরো নিয়ে আমরা এটা জয়েন করেছি। আপনার নাম? আমার নাম জেপি সিং। আজকে বিজেপিতে জয়েন করলেন, কত নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ছিলেন? 3 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। তো আজ বিজেপিতে যোগদান করলেন, মানে কি কোন জায়গা থেকে বিজেপিতে যোগদান করার পরে মনে হলো? माननीय मोदीजी जो उन्नयनमूलक कर्मसूची गोटा भारतवर्ष जुड़े चलते आ कि से देखे उद्बुद्ध हो तई भारतीय जनता पार्टी जयन कर दल काउंसिलर छे तृणमूल कॉग्रेस काउंसिलर छे। तृणमूल दल छाड़ल क्या? तृणमूल दल छाड़ल मैंने दल अनेकगुलो गोष्ठी ठीक मत सम्मान पा जाए ना तई तृणमूल दल छाड़ल। नाम कि अपना? कार्तिक धीबर। कार्तिक धीबर जमुड़िया 3 नंबर वार्ड का काउंसिलर, टीएमसी काउंसिलर। टीएमसी कौन? और जेपी सिंह हमारे ऑब्जर्वर सालानपुर ब्लॉक टीएमसी उन्नी जॉइन कर प्रथम दर हाथे आसन इन हाथे ভারতের জনতা পার্টিতে এনার যোগদান করছেন। এদের হাতে মাস্টার খুলো না, উপরে উঠা। ভারত মাতা কি জয়! ভারত মাতা কি জয়! ভারত মাতা কি জয়! পশ্চিম বর্ধমান জেলে में আগামী 26 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए रानीगंज विधानसभा के मदनपुर क्षेत्र में टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी ने आज एक गृह शिक्षकों के साथ बैठक की और पिछले 10 वर्षों में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यों का उल्लेख किया, साथ ही शिक्षकों के समस्याओं को भी सुना। यहाँ पर भी मौजूद है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेता का योगी जी आ गए, सभी लोग एक दबाव सृष्टि कर रहे हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ निर्णय नहीं है, पश्चिम बंगाल तमाम अन्य राज्यों से पिछड़ा हुआ है। अगर ऐसा ही है तो आप अपने शासित राज्यों में पूछिए। एक शिक्षक होने के नाते मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके राज्य में 3-3, 4-4 महीने पर तनख्वाह मिलती है, लेकिन यहाँ समाप्त शिक्षक बैठे हुए हैं, कोई बोले तो कि किसी दिन लेट से मिलता हूँ, हर समय हर महीने इस महीने भी 1 तारीख को तनख्वाह हमें मिल जाती है। जब हमें तनख्वाह समय पर मिल जाती है, हमें सुख सुविधा समय पर मिल जाती है, और कोरोना के समय जब मंदिर हमारे मोदी जी ने क्या कहा, दिया जलाओ, बिल्कुल सही कहा, थाली बजाओ। मैं शिक्षक होने के नाते अपने बच्चों को कहता हूँ, हाथ में दो घंटा ले लो, घंटा बजा कर डरा कर डर कर, अगर इसे कोरोना तो बजा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिसने हकीकत में समझा हमारे पे, हमारा यहाँ का जाने वाला मास्टर जी और मेरा दोस्त जो कि कर्मपुर में पालन करते हैं, और मित्रों साथियों दोस्तों माता और बहन, इससे पहले इंडिया जी ने कहा मास्टर जी का हाथ कौशल जी को बैठे हुए सभी का अपना अपना विचार है, और हमारा विचार से आपका जो मतदान करने की जो इच्छा है ये थोड़ा आपको हम कम कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि उसका जिंदगी सब समझ जाता है कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस पक्ष में आपको खड़ा होना चाहिए, किस के खिलाफ आपको खड़ा होना चाहिए। सभी आदमी अपना जिंदगी से हिसाब करता है। देखिए हम लोग का यहाँ 3 वोट होता है, एक लोकसभा का वोट, एक विधानसभा का वोट और एक पंचायत स्तर का वोट। तीनों वोट हमेशा अलग अलग होता है। लोकसभा का वोट जब होता है, सोचते हैं नया देश के लिए
कौन एक पार्टी है जो इसका रक्षा कर सकेंगे, कौन लड़ सकेंगे, अगला पार्टी कितना कमजोर है या जोर है। इसलिए इच्छा लाते हुए भी नहीं जाते हुए भी हम लोग बार बार वोट नहीं चाहते। मैं आपको देखी तो 5-10 पार्टी का चुनाव प्रचार किया। एडवोकेट प्रशांतो घोष ने लोगों से बातें की और संयुक्त मोर्चा को वोट देने की अपील की। काफी संख्या में संयुक्त मोर्चा के समर्थक इस दौरान उपस्थित थे। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। लाय घटक को जोड़ा पुल में वोट देकर विजय बनाए। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ा पुल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाए। एसएससी बैंक और रेलवे की कोचिंग करना चाहते हैं तो आपकी समस्या के समाधान के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, जहां आपको मिलेंगे दिल्ली और पटना के बेस्ट टीचर्स। यहां आप तब तक फ्री डेमो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट अंडर आसनसोल एम्बिशन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी, सूर्यसेन पार्क, कुमारपुर, ऑपोजिट मनोज सिनेमा हॉल, चिटी रोड वेस्ट, आसनसोल 713301। ध्यान रहे, हमारे यहाँ एडमिशन शुरू हो चुका है और न्यू बैचेस 8 मार्च से शुरू होने वाले हैं। एम्बिशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को कई तरह की फैसिलिटी दी जाती है, जैसे एसी रूम एंड वीडियो क्लासेस, टाइपिंग फैसिलिटी एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, फ्री लाइब्रेरी फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें 03412253223 एंड 8207297826। आइंदा असेंबली इंतखाब में ममता बनर्जी को तीसरी बार वजीर आला बनाने की गर्ज से रियासत के साथ साथ पश्चिम बर्दवान के तृणमूल उम्मीदवारों को जोड़ा पुल में वोट देकर कामयाब बनाए। आसनसोल नॉर्थ के बीजेपी प्रार्थी कृष्णेंदु मुखर्जी के समर्थन में एक बैठक रखी गई, जहां आशा शर्मा और शंकर चौधरी खास तौर से मौजूद थे। इस बैठक में भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने राज्य सरकार के पिछले 10 सालों में की गई कार्यों की कड़ी आलोचना की, जिसमें उन्होंने आसनसोल जिला अस्पताल, काजी नजरुल विश्वविद्यालय और महिला सुरक्षा से संबंधित बातों का जिक्र किया। बैठक के छपुआ था देखो वो पेपर में, जो ये आदमी है इसका ऊपर इतना ये हो गया, ये हो गया, और वो आदमी भी सब समझते थे प्रेस देख के, पेपर देख के, हाँ भाई ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, ऐसा है ऐसा है। तो सरकार का विरोध में हम जब बोलते हैं, जब आवाज उठाते हैं, वो आवाज को गलत आवाज के बंद किया दिया जाता है। अब आसनसोल में देखिए, आसनसोल जिला अस्पताल बना है, वहां ठीक से कोई फैसिलिटीज नहीं है। अभी आशा जी बोल रहे थे थोड़ा देर पहले, वहां सीटी स्कैन होता नहीं है, सीटी स्कैन मशीन रखा हुआ है, गरीब आदमी को 1,500-2,000 रुपया देके बाहर से सीटी स्कैन करना पड़ता है। एक हार्ट का डॉक्टर नहीं है, एक न्यूरो डॉक्टर नहीं है। तो आप बताइए, जिला अस्पताल बनाया सब डिवीजन अस्पताल से, तो गरीब आदमी जाएगा कहां? सब तो दुर्गापुर मिशन अस्पताल नहीं जा सकता है, आईक्यूसीडी नहीं जा सकता है। तो जो मिनिमम नेसेसिटी है वो चीज नहीं मिलता है। आप जो भी अगर एजुकेशन में जाइएगा, वर्धमान यूनिवर्सिटी को तोड़ के बनाया काजी नजरुल यूनिवर्सिटी, 3 साल तक उसको रिजल्ट नहीं मिलता, लड़का लोग पढ़े एग्जाम देता है, 3 साल में रिजल्ट नहीं आता है। बताइए, जो बच्चे का 3 साल में रिजल्ट नहीं आएगा उसका भविष्य क्या होगा? ये है एजुकेशन सिस्टम। महिला को देखिए, महिला तो ऐसा पूरा बंगाल में महिला प्रधान मुख्यमंत्री है, और महिला का इतना हैरेसमेंट है, इतना अत्याचार है, इतना महिला के ऊपर टॉर्चर है, ये पूरा इंडिया में 3 नंबर में है। कोई महिला को महिला सुरक्षा बोल के कुछ नहीं है, आप कोई चीज बोलने या ठीक से रिपोर्ट नहीं लिखाता है, कोई आपके ऊपर कोई हादसा होता है तो आप जाइएगा थाना तो आपको रिपोर्ट नहीं देगा, बोले वो आप लोग साइड से कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, ऐसा होता है। तो ये चाहिए क्या? ये यही बंगाल 10 साल में बना है, यही जिनिस चाल अपनारा, यही जिनिस हुए। आज के नारी सुरक्षा नहीं, मेरा बिरोधे रास्ता घाटे मेरा बिरोधे मारे ना, क्या ये रकम अवस्था?
মমতা ব্যানার্জি নিজে ওখানে নবান্নে বসে বলেন খুব ভালো, দারুণ আছে এখানে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তা খুব ভালো, আইন শৃঙ্খলা উন্নতি হয়েছে, সব হয়েছে, কিচ্ছু হয়নি, কোনো কিচ্ছু হয়নি। প্রত্যেকটা অঞ্চলের কিছু লোক কিছু লুম্পেনকে পার্টি দায়িত্ব দিয়েছে, তারা ভোটটা কন্ট্রোল করে, মানুষদেরকে কন্ট্রোল করে। আপনার এখানে হচ্ছে তৃণমূলের যে লুম্পেন এসে আপনাদের কন্ট্রোল করবে, আপনার কথা ক্ষমতা নেই তাদের উপর কিছু বলবেন, আপনি বললে আপনার উপর কেস হবে, আপনার ঘরে এসে শাসাবে, আপনার বাক স্বাধীনতা চলে গেছে, আপনার নিঃশ্বাস নেওয়ার স্বাধীনতাকে কেড়ে নিয়েছে, এই স্বাধীনতাকে কেড়ে নেওয়াটাকে আপনাদের বোঝাতে হবে। 26 তারিখ আপনাদের চিন্তা ভাবনা করে ভোটটা দিতে হবে। আমি বলছি না আমাকে ভোট দিন, আমি বলছি না বিজেপিকে ভোট দিন, আপনারা ভোট দেওয়ার আগে অনেকবার চিন্তা করুন যে কোন জায়গায় আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, 10 বছরে কোন জায়গায় তৈরি হয়েছে। আমাকে আমার কোনো আমি নালাই দেবো বিধায়ক হওয়ার জন্য, কিন্তু আগামী দিন আগামী প্রজন্ম আপনারা ঠিক করে বেরোতে পারবেন তো, রাস্তাঘাটে চলতে পারবেন তো? আর যে বাচ্চাটা ছোট আছে, যে বাচ্চাটা আজ 8 বছর বয়স, 5 বছর পর তার বয়স হবে 13 বছর, সেই বাচ্চারা রাস্তাঘাটে বেরোতে পারবে তো? আজকে একটা সম্প্রদায়কে উস্কানি দিয়ে এইরকম জায়গায় নিয়ে চলে গেছে, আজকে একটা সম্প্রদায়কে হাওয়া দিয়ে এত উঁচুতে নিয়ে চলে গেছে, আজকে তা কোনো কন্ট্রোল নেই। আজ দেখুন, একটা চিন্তা করেন, বাংলাদেশ আর পাকিস্তানে হিন্দু মন্দির বন্ধ হয়ে থাকে, আবার আসানসোলে পশ্চিমবাজারে দুর্গা মন্দির বন্ধ হয়ে থাকে, কার কার উদ্দেশ্যে, কে কার ভালো করার জন্য বন্ধ থাকে, কোন সম্প্রদায়কে হাওয়া দেওয়ার জন্য এই মন্দির বন্ধ করে রাখা হয় বলুন না, কেন বন্ধ হয়ে থাকবে? একটা মা দুর্গার মন্দির কেন বন্ধ হয়ে থাকবে? একটা সম্প্রদায়কে তুষ্টিকরণ করবার জন্য সেই মন্দির বন্ধ করে রাখা হয়, আপনি বলুন। এই এই আগেরবার লাস্ট ইলেকশনে 4 জন সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্সের গুলিতে 4 জন মারা গেছে, এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ, তাকে নিয়ে মমতা ব্যানার্জি চিৎকার করছে। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। अपने आसपास की ताज़ा खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आने वाले विधानसभा निर्वाचन में आसनसोल उत्तर के भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु मुखर्जी को कमल छाप में बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। आसनसोल नगर निगम के तत्वधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाए। हमारी प्रतिज्ञा हमारा घर। एक बात सभी याद रखे, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके, कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है, स्वयं जागरूक हो औरों को भी जागरूक करें, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें, सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।